हाँ तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया जो है छोटा सा एक जगह है, प्लेस है जहाँ पे आप बर्थडे मना सकते हैं और बर्थडे के लिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार जो है जगह है ये। ढाबा कैफे का ही एक अलग जो है वो प्लेस है जहाँ पे आप बर्थडे, छोटी सी पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। तो पूरे वीडियो पे आप हमारे साथ यूं ऐसे ही बने रहें और देखते रहें ढाबा कैफे के ऊपर बना हुआ ये पूरा का पूरा वीडियो। ये देखिए बलून्स हैं, यहाँ पे बलून्स रखे हुए हैं, टेबल है, साइड में सोफा भी है और इसकी डेकोरेशन बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार डेकोरेशन है। आपको देख करके बहुत ही मजा आएगा पूरे डेकोरेशन को देख करके, बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया जो है डेकोरेशन है। स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में और हर बार की तरह फिर से बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार जगह की सैर कराने लेके जा रहा है। हाय 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 व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया जगह की जो है सैर कराने लेके जा रहा हूँ और ये मेरे पीछे जो है ये ढाबा कैफे, ये बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार जगह है जहाँ पे आप आकर के कुछ सुकून भरा पल जो है बिता सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और डेफिनेटली अपने रिलेटिव के साथ। और ये बहुत ही बढ़िया जो है जगह है ये जो है आपका हीरा पैलेस में है। आपको पूरा का पूरा रेस्टोरेंट दिखाने लेके जा रहा हूं तो आप हमारे चैनल पे अंत तक बने रहेंगे इस वीडियो को देखने। जो है ढाबा कैफे में एंटर कर चुके हैं और आप हमारे साथ यूं ही ऐसे ही अंत तक इस वीडियो पे बने रहेंगे। और व्यूअर्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको बहुत ही बढ़िया नई नई जगहों की सैर जो है कराता रहूंगा और अभी आप हमारे साथ हैं ढाबा कैफे में। अरे भाई थोड़ा स्माइल कर लीजिए, आप जो है आपका स्वागत है ढाबा कैफे में और आप यूं ही ऐसे ही नई नई जगहों को देखेंगे। यहाँ देखिए कितना बढ़िया तरीके से साइकिल को जो है वो रिसाइकल करके जो है कितने बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पे टांगा गया है। ऐसी जो है खूबसूरत लाइटिंग और ऐसा पूरा डेकोरेशन आपको पूरे पटना में कहीं नहीं मिलेगा। एक छोटी सी बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार जगह है जहाँ पे आप पीसफुली बैठ करके आप लैपटॉप पे थोड़ा काम भी कर सकते हैं और थोड़ी मस्ती भी कर सकते हैं और मस्ती और फन दोनों अब एक साथ हो जाए, मस्ती फन और वर्क दोनों सब एक साथ हो जाए तो फिर और क्या कहना भाई। आप हमारे साथ यूं ही ऐसे ही हमारे वीडियो पे बने रहेंगे और हम यूं ही ऐसे ही नए नए जगहों की आपको सैर कराते रहेंगे। ये हमारे साथ हैं पंकज, पंकज हाय बोल दो। हाय। हमारे साथ आगे हैं रवि, हाँ रवि सर। और यहाँ पे और क्या क्या फैसिलिटीज आप बता पाएंगे हमें सर? यहाँ ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। हाँ मैंने लॉन्च देखा आपका, अंदर आपकी डेकोरेशन भी काफी अच्छी है। बहुत ही पीसफुल बहुत ही बढ़िया से जो है शानदार जगह है। सबसे बढ़िया जो है मुझे आपका डेकोरेशन लगा। हाँ जी हाँ जी हाँ, सेल्फी जोन भी आपके आपके यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सारी चीजें जो है सेल्फी के लिए हैं, मतलब कि आप यहाँ पे आकर के सेल्फी खिंचवा सकते हैं। और मैं तो बस आपको यही बोलूंगा यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे फुल फंटूस मस्ती कीजिए आप, और कुछ नहीं। सर आपने ये रेस्टोरेंट कब खोला था? अगस्त किसी और चलाते थे, मैंने टेक ओवर किया अगस्त। बहुत ही बढ़िया जगह सर, यहाँ पे स्पेशली जो है वो सेल्फी के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है और आजकल के यूथ को क्या चाहिए, सेल्फी और मस्ती और कुछ। हाँ तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया जो है छोटा सा एक जगह है, प्लेस है जहाँ पे आप बर्थडे मना सकते हैं और बर्थडे के लिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार जो है जगह है ये। ढाबा कैफे का ही एक अलग जो है वो प्लेस है जहाँ पे आप बर्थडे, छोटी सी पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। तो पूरे वीडियो पे आप हमारे साथ यूं ही ऐसे ही बने रहें और देखते रहें ढाबा कैफे के ऊपर बना हुआ ये पूरा का पूरा वीडियो। ये देखिए बलून्स हैं, यहाँ पे बलून्स रखे हुए हैं, टेबल है, साइड में सोफा भी है और इसकी डेकोरेशन बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार डेकोरेशन है। आपको देख करके बहुत ही मजा आएगा पूरे डेकोरेशन को देख करके, बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया जो है डेकोरेशन है। मैं आपको बाहर से भी दिखा रहा, केरा ढाबा कैफे लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको दिखाई होगा यूनिट ऑफ ढाबा कैफे लिखा हुआ है। और अब मैं जो है अंदर की तरफ जा रहा हूँ।
आपको दिखा रहा अंदर से पूरा का पूरा जो है वो रेस्टोरेंट कैसा है। हाँ तो मैं आपको मेन्यू दिखा रहा, मेन्यू ये रहा आपका आपके सामने, पूरी मेन्यू है, मेन्यू को कैटेगराइज किया हुआ है डिफरेंट फूड्स में। आप देख सकते हैं जैसे रोटी नान का जो कैटेगरी है, अगर आपको तंदूरी मंगाना हो तो तंदूरी का ऊपर में जो है कैटेगरी है, फिर बिरयानी का अलग कैटेगरी है, तंदूरी वेज का कैटेगरी आप देख रहे हैं, स्टार्टर का भी है, एक पूरा का पूरा कैटेगरी है, प्राइस लिखा हुआ है। सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगी ये वाले लगी, आप यहाँ पे बैठ करके सेल्फी भी खिंचा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए एक सेल्फी खींच के दिखा रहा, कैसा लगेगा ये? हाँ तो पंकज कैसा लग रहा आपको? बढ़िया लग रहा है सर, एकदम। चलो पंकज बहुत ही बढ़िया, मुझे भी बहुत अच्छा एहसास हो रहा है, धीमी धीमी म्यूजिक और हम यहाँ मस्ती कर रहे हैं, और बहुत दिनों बाद ऐसे मतलब किसी अच्छे जगह पे जाकर के फन करने का मौका मिला है। सबसे बढ़िया चीज मुझे तो लग रही है वो ऊपर में जो बाइसिकल टंगी हुई है, वो सबसे अच्छी चीज। हाँ तो हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं ढाबा कैफे में और खाने जा रहे हैं अपना सर्व किया हुआ हमारे सामने जो बिरयानी है, मैं आपको वो दिखा दूँ, ये हमारे सामने जो है बिरयानी है, आपको दिख रहा होगा दो बाउल जो है बिरयानी का पड़ा है आपके सामने, तो हम इसे ही जो है खाने जा रहे हैं। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। आए हाय हाय हाय, आपके चेहरे की मुस्कान यूं ही बने रहे, इसलिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार जगह की सैर कराने लेके जा रहा, और एक कुछ और नहीं बल्कि एक शानदार सा रेस्टोरेंट है, सेल्फी जोन रेस्टोरेंट लाउंज और पार्टी जोन, और क्या चाहिए। तो आप यूं ही ऐसे ही हमारे साथ अंत तक बने रहे, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे और क्या क्या है, मैं पूरी रेस्टोरेंट को आपको घुमा रहा और कोशिश कर रहा कि यहाँ पे एक एक चीज को मैं आपको घुमाऊं दिखाऊं।